बड़ी खबर गुजरात के वडोदरा से आ रही है। वहां पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद के बाद दो गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी तत्काल वहां पहुंच गई, लेकिन बताया गया कि इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया, कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर पेट्रोल पंप से हमला किया गया, ऐसी जानकारी मिली है। पटाखे फोड़ने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और ये विवाद देखते ही देखते बढ़ता चला गया। वडोदरा से ये खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जनक इस वक्त जुड़ गए हैं। जनक, क्या जानकारी इस खबर को लेकर, जरा डिटेल में बताएं। देखिए पूजा, फिलहाल तो अभी शांति बनी हुई है, पर देर रात को पानीगेट करके इलाका है, संवेदनशील इलाका वडोदरा में माना जाता है, वहां पर पटाखे फोड़ने को लेकर दो समुदाय के बीच में एक मामूली सी बहस हुई थी। वो बहस फिर बवाल में कन्वर्ट हुई और फिर दंगे में कन्वर्ट हो गई और आखिरकार दोनों समुदाय के लोगों ने आमने सामने पथराव किया। कई जो वाहन थे वहाँ पर, व्हीकल थे, उनको आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद जानकारी जैसे पुलिस को मिली, उस पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन आप तस्वीर में भी देख सकते हैं जहाँ पर एक पुलिस अफसर वहाँ से जब निकल रहे थे गश्त के लिए, उसी समय पर ऊपर से पेट्रोल बम फेंका गया। उसके बाद CCTV और बाकी जो चश्मदीद थे उनके बयानों के आधार पर लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। देर रात को रायटिंग का मामला दर्ज किया गया है और जो लोग हैं उनकी शिनाख्त होने के बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी अपडेट जनक दे रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति है वहां पर काबू में है और उन सभी लोगों की पहचान भी कर ली गई है जिन्होंने ये हमला किया था, जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया था, और उन पर कार्रवाई की जा रही है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर जारी रस्साकशी थम गई, जिसके बाद यह तय हो गया कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही ब्रिटेन की सत्ता संभालेंगे। सुनक को यह मौका तब मिला जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पिछली बार उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले ऋषि सुनक का नाम पार्टी ने आगे कर दिया और अब जल्द ही वो PM पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऋषि सुनक को अपनी बधाई भेजी है और भारत के लिए यकीनन ये एक गर्व का विषय है। भारतीय मूल से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक का नाम आगे चल रहा था और इस बात पर मुहर भी लग गई है।